मोदी सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव के आरोप हमेशा से लगते आए हैं। अमेरिका में भी पत्रकार ने मोदी से इसी बात पर सवाल पूछा था, जो इस आरोप को और गहरा बना रहा था। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने बीजेपी पर मुसलमानों से भेदभाव के आरोप को एक विवादित बयान देकर हवा दे दी है। उन्होंने टमाटर के बढ़ते दामों के बीच महंगी सब्जियों के लिए बेहद इलॉजिकल तरीके से मुसलमानों को जिम्मेवार ठहराया है। उनके इस विवादित बयान की देश भर में आलोचना हो रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कहा है, हिमंता को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हिमंता को दवा करवाने की सलाह दी है। कहा है, इन्हें राहुल गांधी और मुसलमानों से नफरत की बीमारी हो गई है। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने राज्य में खासकर गुवाहाटी में सब्जियों की कीमतों की बढ़ोतरी के लिए मियां मुसलमान व्यापारियों को जिम्मेवार ठहराया है। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के बारे में पत्रकार के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस समय जिन लोगों ने सब्जियों की इतनी ज्यादा कीमत बढ़ाई है, हम जानते हैं वो कौन लोग हैं। मियां व्यापारी हैं जो ज्यादा कीमत पर सब्जियां बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मियां व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। अगर असम के हिंदू व्यापारी आज सब्जियां बेच रहे होते तो वो अपने असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं वसूलते। अपने इस बयान के साथ मुख्यमंत्री ने असम के युवाओं को आगे आने और सब्जी बेचने की सलाह भी दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि व्यक्तिगत रूप से फ्लाईओवर के नीचे सब्जी बेच रहे मुसलमानों को उनकी दुकान से खाली करवा देंगे, जिसमें असमिया लड़कों को रोजगार का अवसर मिलेगा। फिलहाल गुवाहाटी के फ्लाईओवर के नीचे ज्यादातर सब्जियां और फल बेचने वाले लोग मियां समुदाय के मुसलमान ही हैं। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने कहा है, प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले कुछ भी बोल दे रहे हैं। इस हिसाब से तो शर्मा जी को सब्जी खाना ही छोड़ देना चाहिए। प्रशांत कनौजिया कहते हैं, अच्छा हुआ राहुल जी ने इन्हें बिस्कुट नहीं दिया। अब समझ में आता है क्यों राहुल गांधी ने हिमंता से बात करने की बजाय अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाना ही बेहतर समझा था। सूर्य प्रताप ने कहा, अरे ये तो बड़े पद के पात्र हैं। आज मुझे पता चल गया कि राहुल गांधी ने इनके बजाय अपने कुत्ते के साथ टाइम बिताने में अच्छा समझा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस बयान पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है, एक भाजपाई मुख्यमंत्री द्वारा सब्जियों की महंगाई के लिए एक समुदाय विशेष को जिम्मेवार ठहराना बेहद संकीर्ण सोच का अति निंदनीय प्रदर्शन है। भाजपा अपनी सरकार की कमियों के लिए दूसरों में दोष ढूंढती है। बंटवारे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, एक दिन बांटने वाला ही बंट जाता है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।